सेंटेंस नंबर वन, द टॉय डैश ऑफ प्लास्टर ऑफ पैरिस, खिलौना प्लास्टर ऑफ पैरिस से बनाया गया है। हमारे पास ऑप्शंस हैं इज मेक, इज मेड, हैज मेड और मेक। तो इसमें ऑप्शन इज मेड करेक्ट है, क्योंकि ये एक पैसिव वॉइस है और पैसिव वॉइस में हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस इस तरह से होगा, द टॉय इज मेड ऑफ प्लास्टर ऑफ पैरिस। सेंटेंस नंबर टू, डैश अवे फ्रॉम अ ग्रीडी पर्सन। हमारे पास ऑप्शंस हैं कैप्ट अवे, कीप्स अवे, कीप अवे या हैज कैप्ट अवे। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं ये इंपैरेटिव सेंटेंस है और इंपैरेटिव सेंटेंस में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, इसके साथ एस और ई एस वगैरह का यूज भी नहीं करते। तो यहाँ पर हम कैप्ट का यूज नहीं कर सकते, ना कीप्स का यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, कीप अवे फ्रॉम अ ग्रीडी पर्सन, लालची शख्स से दूर रहें। सेंटेंस नंबर थ्री, शी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही डैश। हमारे पास ऑप्शंस हैं हैड लेफ्ट, लीव, लेफ्ट और विल लीव, और इनमें से ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है और पास्ट परफेक्ट में हम एक साइड पर पास्ट इंडेफिनेट का यूज़ करते हैं और दूसरी साइड पर हम पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से होगा, शी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट। सेंटेंस नंबर फोर, व्हेन आई लास्ट मेट हिम ही डैश इन लाहौर। हमारे पास ऑप्शंस हैं लिविंग, लिव्स, वॉज लिविंग और वॉज लिव्ड। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं व्हेन आई लास्ट मेट, जब मैं उससे पिछली बार मिला, तो ये एक पास्ट है, तो पास्ट में हम हमेशा पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ही बाद में यूज करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है, व्हेन आई लास्ट मेट हिम ही वॉज लिविंग इन लाहौर। सेंटेंस नंबर फाइव, अली डैश इन लाहौर नाउ। ऑप्शंस हैं हैव बीन, वॉज, शुड हैव और शुड बी। ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि सेंटेंस में हमारे पास नाउ का यूज़ किया गया और नाउ प्रेजेंट शो कर रहा है, तो हैव बीन का यूज़ हम कर नहीं सकते, क्योंकि अली यानी कि सिंगुलर के साथ हम हैज वगैरह का यूज़ करते हैं। वॉज इन लाहौर नाउ, तो वॉज क्योंकि पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हम इसे प्रेजेंट में यूज़ नहीं कर सकते। शुड हैव से मुराद है कुछ पास होना, और इसलिए हम यहाँ पर शुड बी, तो अली को अब लाहौर होना चाहिए, तो अली शुड बी इन लाहौर नाउ। आज के लेक्चर में हमने चंद फॉर्म्स ऑफ वर्ब देखें कि फिल इन द ब्लैंक्स में हम इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।